Mrs. Dalloway, written by Virginia Woolf. And this novel comprises only the human experience of only one day. और यहाँ पे जैसे हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि इट इज इन दिस नॉवल वर्जीनिया ट्राई टू कॉपी द स्टाइल एंड द राइटिंग वे एंड द टेक्निक एवरीथिंग ऑफ अनदर नॉवल विच इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द वन डे दैट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ द ओनली वन डे ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस. तो जेम्स जॉयस से काफ़ी मुतासर थी और फिर उन्होंने भी वैसा ही एक नावल लिखने का एक फैसला किया और ये नावल था मिसेस डैलोवे. सो मिसेस डैलोवे में क्या है मेन चीज़? सो मेरे इस मेन करेक्टर तो डेफिनेटली क्लारिसा डैलोवे हैं. Who is giving a party basically, and she makes preparations. She relives her life in a continuous monologue, which reveals a disturbed and unhappy woman under the guise of a lively and successful person. Apparently, she is very successful. She lives a life. Okay, yahan pe main. ओके मिसेस डैलोवे पे हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं सीधा ही लेक्चर 5. और दिस पार्ट विल कवर द इंसिडेंट्स हैपन बिटवीन 12 PM टू 1:13. सो फ्रॉम सेप्टिमस अपॉइंटमेंट विद सर विलियम ब्रैडशॉ टू द लंच टाइम एट 1:30. सो एज बिग बेन स्ट्राइक्स नून Clarissa lays her green dress on her bed. So Big Ben जो है ये एक्चुअली जो लंदन का वो एक हमेशा ही आपको एक टावर दिखाया जाता है और कभी आप तस्वीर देखें लंदन के रिप्रेजेंटेटिव जो इमेजेस हैं उसमें एक टावर है उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉक लगा होता है. तो इट इज दिस क्लॉक इज कॉल्ड बिग बेन. इसका एक दूसरा नाम है बिग बेन. तो वहाँ पे नून टाइम आता है यानी 12. तो ये सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है. एंड क्लारिसा लेयर्स हर ग्रीन ड्रेस ऑन हर बेड. वो ड्रेस जो उसने पार्टी में रात को पहनना है और सारा दिन ये पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और फिर पार्टी होगी और फिर पार्टी के बाद ये हमारा नॉवल खत्म होगा. एंड द स्मिथ्स वॉक डाउन हार्ली स्ट्रीट टू सेप्टिमस अपॉइंटमेंट. और जो स्मिथ्स हैं दोनों जो है मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ ये अपनी अपॉइंटमेंट इन्होंने ली है और डॉक्टर को मिलने के लिए ये जाएंगे. एंड द सेलिब्रेटेड साइकेट्रिस्ट सर विलियम ब्रैडशॉ. और हमारे सामने एक करेक्टर हमारे सामने आएंगे साइकेट्रिस्ट सर विलियम ब्रैडशॉ जो इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका क्या रोल है और किस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नोन फॉर हिज टैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग सर विलियम इज ग्रे हेयर्ड. एक तो उनकी खास बात है इज वेरी टैक्टफुल और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है ये इसके बाद के लिए मशहूर हैं. और दूसरा सा ही इज ग्रे हेयर्ड जो भी शो करता है कि बड़े तजुर्बाकार हैं बाल उनके ग्रे हो चुके हैं यकीन उन्होंने धूप में सफ़ेद नहीं किए होंगे और तजर्बे से सफ़ेद हुए हैं. एंड हैज एन एक्सपेंसिव ग्रे कार. और बाहर जो है एक एक्सपेंसिव कार खड़ी है जिससे पता चलता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है प्रैक्टिशनर हैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं अमीर हैं काफ़ी पैसा कमाया है उन्होंने. He ascertains that Septimus is in a state of complete physical and nervous breakdown within 2 or 3 minutes of meeting him. 2 से 3 मिनट ही अभी उन्हें हुए होते हैं जब वो ये दावा कर देते हैं कि इनको क्या मसला है Septimus को क्या प्रॉब्लम है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इनका और कंप्लीट है ये मसला और ये बहुत बीमार है और ये इनको प्रॉब्लम है और 2-3 मिनट में डायग्नोज कर देते हैं. इससे आप उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लें या फिर आप उनकी नाकाबिलियत का अंदाज़ा लगा लें कि इतनी जल्दी तो आपको पता है साइकेट्रिस्ट और जहनी बीमारी को इतनी जल्दी फिजिकल बुखार का भी नहीं इवन 2-3 मिनट में तो पता चलता कि बुखार किस वजह से है और इन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो डायग्नोज कर दिया.
When Sir William asks Septimus if he served with distinction in the war, Septimus thinks of the war as a little shindy of schoolboys and with gunpowder. War ke baare mein jab baat hoti hai to dilchasp statement hai Septimus ka, jo ki hame zyada reasonable lag raha nazar aata hai, taki wo use mad declare kar chuke hain. A little shindy of schoolboys with gunpowder. Aise jaise कोई लड़ाई होती है ना स्कूल बॉयज की, तो उनको साथ गन पाउडर भी आप दे दें तो वो किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे फिर? यकीनन एक स्कूल बॉय जो है वो कोई विजनरी नहीं होता, ना उसके पास नॉलेज होता है, ना इस जज्बात पे काबू होता है, ना ही कोई बहुत अकलमंद होते हैं. इसलिए वो जब लड़ेंगे तो बेतहाशा लड़ेंगे, और गन पाउडर अगर आप उनके हाथ में दे देंगे तो फिर पूरा स्कूल डैमेज हो जाएगा. तो ऐसा ही कोई दुनिया के साथ किया है इंसानों ने. सेप्टिमस ट्राइज टू एक्सप्लेन to the doctor that he has committed a terrible crime. Aur Septimus jo hai usko batata hai ki maine jo hai terrible crime kar diya, ki insaniyat ki taraf se maine crime kar diya. Rizia protests that it is untrue and the doctor takes her side. Okay, and Rizia admits that Septimus has threatened to commit suicide. Dr. William prescribes a long period of the bed rest in one of his homes in the country. तो जब से वो पता चलता है कि सुसाइड की थ्रेट भी दे चुका है, तो सर विलियम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, फैसला करते हैं कि से मैं अपने घर में अपना जो मैंने अलग जो इस तरह के मरीजों का घर बनाया हुआ है वहाँ रखूँगा. सेप्टिमस विल हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम रिजिया, तो और सरासा दिन दोनों को अलग भी कर दिया जाएगा. और यहाँ पे आप आइडिया लगा लें, जो मेंटली सिक और इल पेशेंट हैं दे मोस्टली दे नीड लव एंड द केयर. और यहाँ पे डॉक्टर ब्रैडशॉ जो है वो जो एक ही सोर्स ऑफ लव और केयर है वो रिजिया है, जो ट्रूली ख्याल कर सकती है सेप्टिमस का, इन इसको भी उससे अलग कर रहे हैं. तो इतना अकलमंदाना ये फैसला करते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी जो मेंटली सिक होते हैं उन बेचारों को सोसाइटी से सेपरेट करने का एक सिस्टम है. तो यहाँ क्रिटिसाइज कर रही है हमारी जो राइटर है कि शायद ये जो ज़हनी बीमार लोग हैं इन्हें आम आदमी से भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है. Sir William prefers not to speak of madness, but rather of a lack of proportion. And Sir William, जो कि हमने पहले देखा कि he is very tactful, ठीक है, very clever, very tactful, comprehend all the things. So वो कहते हैं कि मैं madness का word नहीं use करता, तो इसे ज़्यादा बुरा लगता है. So madness के लिए वो एक नया word है उनके पास, lack of proportion. I said lack of proportion. तो the son of a tradesman, William. सर विलियम का हमें पता चलता है कि सन ऑफ ट्रेड्समैन एंड ही नेवर हैड टू टाइम टू रीड. और चूँकि एक बिजनेसमैन का बेटा था, तो हमेशा ही दौलत और पैसा और इसने मेडिकल का जो शोबा है उसको भी कारोबार ही समझा हुआ है, और वहाँ भी ये दौलत कमाने पे इसका फोकस है. इसलिए बहुत ही महंगी कार जो है वो बाहर खड़ी है, तो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो ध्यान रखें बहुत महंगी कारों वाले जो डॉक्टर हैं वो सर विलियम ब्रैडशॉ की तरह कहीं होंगे. सो सर विलियम Never had time to write. और फिर पढ़ने का वक्त नहीं है उनके पास. जैसे हमारे भी कोई स्टूडेंट के पास पता है पढ़ने का कोई वक्त नहीं है, और पढ़ के उन्होंने क्या करना है वैसे भी. He resents Septimus shabbiness as well as his cultivation. Sir William tells Septimus that everybody has moments of depression and that nobody lives for himself alone. He reminds Septimus that he has brilliant career ahead of him. वो उसको एनकरेज करते हैं और सेप्टिमस को बताते हैं कि तुम्हारा बड़ा कैरियर है आगे, तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत नाम बना सकते हो, वार का तुम्हें एक्सपीरियंस है, उस बात को अगर तुम बेचो मेरी तरह तो एक बड़ी सी गाड़ी होगी तुम्हारे पास भी, बड़ा नाम हो सकता है. सेप्टिमस फील्स ही इज बीइंग टॉर्चर्ड बाय द ह्यूमन नेचर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर होम्स एंड सर विलियम. एंड सेप्टिमस क्या फील करता है कि दिस इज द ह्यूमन नेचर जो टॉर्चर करते हैं, कितनी अगली ह्यूमन नेचर है इंसानों की इस शक्ल में, खास तौर पर डॉक्टर होम्स और सर विलियम ब्रैडशॉ की शक्ल में वो देखते हैं. ये तो टॉर्चरिंग है, अनबेरेबल नहीं है, टॉर्चरिंग है ये. बिकॉज सेप्टिमस कैन सी द थिंग्स फ्रॉम द कोर, फ्रॉम अंडर द सर्फेस, बियॉन्ड द सर्फेस ये जा सकता है, ये ब्रिलियंस से मुतासर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पागल है, हम आम लफ्जों में कह लें आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. तो ऐसा आदमी ज्यादा रियलिटी को देख रहा है जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ द लाइफ को अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर रहा है. ही ट्राइज
again to confess his crime, but he cannot remember what it is. He stammers out the pronoun. आई पे जाके वो फंस जाता है, stammer करता है, जो कि वो याद करना चाहता है कुछ. And Sir William tells him not to think about himself. और सर विलियम चाहते हैं कि तुम अपने बारे में मत सोचो. थिंक अब कलेक्टिविज्म की तरफ उन्हें लेके आते हैं. इंडिविजुअलिज्म ज़ाहिर उन्हें पसंद नहीं है कि कोई अपने बारे में आप इंडिविजुअल एक राय रखे, अपनी दुनिया में जाए. ऐसी खोज करना अच्छा नहीं होता. सर विलियम इज ईगर टू एंड द कंसल्टेशन एंड सेज ही विल लेट देम नो अबाउट द अरेंजमेंट्स बिटवीन 5 and 6 दैट इवनिंग. और वो उन्होंने तय कर लिया, फर्दर किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 मिनट ही काफ़ी हैं. सर विलियम जो कि बहुत जीनियस हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि ये किस तरह के बीमार हैं और किस तरह का इलाज इन्हें करना चाहिए. क्योंकि वो बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं तो वक्त उनका कीमती है, तो ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते इनको. वैसे ही डॉक्टर हैं. रिजिया थिंक्स सर विलियम हैज़ फेल्ड देम एंड दिस इज़ नॉट अ नाइस मैन. रिजिया को आइडिया हो जाता है कि सर विलियम ने उन्हें मायूस किया है, हैज़ फेल्ड हिम. And he is not a nice man. उसे पता चल जाता है कि इसे humanity से लव नहीं है और कोई इसको केयर नहीं है, इसको ये कोई अच्छा इंसान नहीं है. सर विलियम्स फिलोसफी ऑफ द प्रपोर्शन इन्वॉल्व प्रिस्क्राइबिंग वेट गेन एंड सोलिटरी रेस्ट. तो वो चाहते हैं कि खाए पिए और रेस्ट करे, आराम करे, और तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ही सिक्लूड्स द मेंटली इल एंड फॉरबिड्स दैट दे हैव चिल्ड्रन. और वो चाहते हैं कि उनको अलग करके इस तरह से ट्रीट करते हैं. His patients must conform to his sense of proportion or he considers them mad. और अगर उसके पेशेंट जो है उसके सेंस ऑफ प्रपोर्शन जो है उसको कन्फर्म नहीं करेंगे तो वो फिर सारे पागल हैं. द नरेटर क्रिटिक्स सर विलियम्स थीरीज कन्वर्जन आर प्रेशर टू कन्फॉर्म टू द सोशल नॉर्म्स masquerades as brotherly love, but in colonies like India and at home in London, conversion is actually a quest of power. और actually जो हमें पता चलता है कि this is this conversion, this कि society के rules को आप accept करें, otherwise फिर आप abnormal हैं. तो ये हमेशा हर society अपनी power use करती है, और society में जो accepted theories हैं बस वही अकलमंदी की इलामत हैं, और अगर आप उनसे इत्तफाक नहीं करेंगे तो फिर आप आउट ऑफ प्रपोर्शन है. और इवन इंडिया और लंदन में डिफरेंस ये देख लें. इंडिया में ये चीज़ें उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से लंदन में है, क्योंकि ये सारी गेम है पावर की. जैसे मिशेल फुको की हिस्ट्री ऑफ मैडनेस उनकी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें, बिल्कुल उन्होंने मैडनेस को डिस्कस किया है क्वेस्ट ऑफ पावर के मीनिंग में. क्योंकि हमेशा जो है उस सोसाइटी में जो पावरफुल मिथ होती है, जो चीज़ें पावर में आ जाते हैं, फिर वो अपनी थीरी को, अपनी स्टोरी को वो डोमिनेट समझते हैं, और जो पावर की स्टोरी से डिसएग्री करता है वो हमेशा ही पागल कंसिडर किया जाता है. इफ समवन डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी यूजेस इट्स इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मेडिसिन है, एजुकेशन, रिलीजन, लॉ एटसेट्रा टू कंट्रोल देम. देखो ये जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं एक थीरी के मुताबिक, ये इनका पर्पज क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल किया जाए, और उनको सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को कंफर्म करना पड़ता है टू कंट्रोल यू, टू मेक यू ए प्रॉपर सब्जेक्ट. अदरवाइज फिर आप एक प्रॉपर नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है. सो सोसाइटी कंट्रोल्ड इट्स इंडिविजुअल बाय टू टूल्स, आइडियोलॉजी एंड कोएर्शन. अब लुई अल्थजर को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर लुई अल्थजर टॉक्स अबाउट द टू टूल्स, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी यही है कि आप बात मान जाएं, और कोहर्जन नहीं तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, यानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप फिर आइडियोलॉजीज हैं, स्टोरीज हैं, कंस्ट्रक्टेड स्टोरीज हैं टू कन्फर्म द सोसाइटीज रूल. तो ब्रैडशॉ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को जो सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है, और इसका पर्पज है कि लोग उसे, ताकि लोगों को कन्फर्म करवाया जाए, उनको एक्सेप्ट करवाया जाए. अगर वो उनको नहीं करते तो ठीक है, फिर उनको बंद कर दें किसी जगह पे. सर विलियम इज द बिजनेस, इज इन द बिजनेस ऑफ द कॉलोनाइजिंग पीपल्स माइंड. ओके. एंड लेडी ब्रैडशॉ लॉस्ट टच विद हरसेल्फ 15 इयर्स अगो व्हेन हर विल सकम टू हर हस्बैंड्स. ठीक है. और इवन उनकी जो अपनी वाइफ है ब्रैडशॉ की, वो भी उनकी विक्टिम है, और इवन वो भी जो है वो 15 साल से, वो पहले ही उन्होंने
ذہنی توازن تقریباً کھو دیا تھا. ناؤ شی ٹیکس پکچرز آف دا ڈیکینگ چرچز اینڈ آکوپائز ہرسیلف ود ویریس کازز. So patients who came nearly asked Sir William if the matter of living or not living is a personal choice. Though he shrugs his shoulders when asked if God exists, Sir William adamantly believes that no choice exists between life and death. Ki hamare paas choice nahi hai, koi individuality nahi hai, koi aapko freedom nahi hai, aur aapko society ke rules ko confirm karna hoga. Otherwise kya hoga, fir aap out of proportion honge. He champions the prospect of the brilliant carriers, courage and the family affection. If a patient's unsocial impulses are out of control, he sends them away to home. ये कौन सा home है जो उसने अपना बनाया हुआ है जहाँ पर वो बंद कर देगा, जैसे आमतौर पर mentally sick लोगों को अलग करके उनका treatment करने की कोशिश की जाती है. Sir Williams is a greedy for dominion and impresses his will on the weak. और हम देखते हैं कि ये एक लालची आदमी है और दौलत के पीछे जाता है, पावर के लिए वर्क करता है, और ये है कि इसकी फर्दर हम मीनिंग को यहाँ एनालिसिस के पार्ट में देख लेते हैं. सो द लिंक बिटवीन क्लैरिस एंड द सेप्टिमस, दो यहाँ पे करेक्टर का लिंक हमारे सामने आता है. जैसे पिछले सेक्शन में हमने देखा था रेजिया का लिंक था पीटर के साथ, यहाँ पे क्लैरिस और सेप्टिमस के ताल्लुक की बात होगी. इंटेंसिफाइज विद देयर रिस्पेक्टिव एक्शन एट नोन, a moment in which the one character is very nearly the opposite of the other. Hame dono aise lagte hain, do opposite characters hain, Clarissa aur Septimus. Dono ka behavior jo hai opposite hai, although both have the ability to see the things beyond the surface, but their reactions are different. They are opposite to each other in their responses basically. Clarissa puts down her party dress, which is a part of the front she puts on for society. اس کا جو ڈریس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کو وہ جو مینٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی بھی ایک میننگ ہے, وہ ریلیشن شپ اپنے سوسائٹی کے ساتھ مینٹ کر رہی ہے. اور اس کا جو ڈریس ہے it is a screen between his inner self and the outer world یا سوسائٹی جسے آپ کہتے ہیں. Septimus at the same time is exposed to the society as he enters Sir William Bradshaw's office for his appointment. Septimus sees doctor as the embodiment of the human nature which he saw its ugliest during the war. और वार ने जो है वो स्ट्रिप ऑफ कर दी है ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन जो इमोशंस है, ह्यूमन माइंड है, स्पेशली जो ह्यूमन नेचर है, अब वो कितनी नेगेटिव है इस बात का पता सेप्टिमस को लग चुका है. और बस मस्करेड हमारे बिहेवियर होते हैं, एक अच्छा बनने की एक एक्टिंग होती है सोसाइटी के अंदर हमारी. और ट्रू ह्यूमन नेचर को डिस्कवर कर लिया है सेप्टिमस ने, विच इज इन इट्स अगलीस्ट फॉर्म में इसको देख लिया हुआ है. बोथ डॉक्टर होम्स एंड सर विलियम्स are older men who probably did not see any of the war firsthand, but they and others believes themselves to be the experts on the Septimus condition. aur kitni funny si baat hai ki sir William Bradshaw ho, jinhe sir ka khitab bhi diya ja chuka hai apne is 2-3 minute mein diagnose karne ki shayad salahiyat ki bina par ya pagalon ko band karke marne ki bina par, aur Dr. Home aur William jo hai ये दोनों के पास कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है. वार तो इन्होंने कभी देखी भी नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो दूर की बात है, और फिर भी वो दे आर कंसिडर्ड एक्सपर्ट्स ऑन सेप्टिमस कंडीशन. कितनी आयरोनिक सी सिचुएशन, जिनको पता भी नहीं जंग क्या होती है वो बताएंगे कि जंग में क्या प्रॉब्लम आ गया है. क्लैरिसा बाय मेंडिंग एंड प्रिपेयरिंग द ड्रेस विल बी एबल टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस स्मूथली. तो क्लैरिसा का जो ड्रेस है, जो ग्रीन ड्रेस है, वो उसको जो मेंड करती है, मेंडिंग इन ए वे इन ए सेंस शी इज ट्राइंग टू नेविगेट हर रिलेशनशिप विद सोसाइटी एंड सोसाइटीज रूल. ठीक है, सोसाइटी जो है उसके साथ चलने की कोशिश कर रही है क्लैरिसा. क्लैरिसा भी रियलिटी को देख रही है, लेकिन सब सच जानने के बावजूद ये अपने रिलेशनशिप जो है वो बनाती है और अपनी दो दुनियाओं में रहती है. एक उसके अंदर की दुनिया है, एक रियलिटी की दुनिया है, और एक सोशल वर्ल्ड है, और उसमें नेविगेट करने में किसी हद तक स्मूथली कामयाब हो जाती है सेप्टिमस के मुकाबले में. सेप्टिमस नहीं चल पा रहा. क्यों नहीं चल पा रहा? सेप्टिमस डज नॉट हैव एंड डज नॉट वांट क्लैरिसा'स चार्म एंड एबिलिटी एंड ही इज एट द डॉक्टर्स मर्सी. वो चाहता भी नहीं है वो डॉक्टर की मर्सी पे, उसने खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया. लेकिन क्लैरिसा जो है वो
जो है वो मैनेज कर रही है, मेंड करती है अपने रिलेशनशिप को, ब्रेक होते हैं तो फिर उनको जोड़ लेती है और दो दो जिंदगियां जीती है वो. साइंस हैज बिकम ए न्यू रिलीजन. और एक क्रिटिसिज्म जो है ना यहाँ पे साइंस के ऊपर भी है कि जैसे जैसे पहले रिलीजन ने में प्रीस्ट होते थे और आपको रिलीजन को कन्फर्म करना पड़ता है, चाहे उसके कितने ही आइडियाज जो हैं वो आउट ऑफ माइंड क्यों ना हो, आपको उनको कन्फर्म करना पड़ता है और उनके प्रीस्ट आपको बात मनवा लेते हैं और उनके सिस्टम है होता है जैसे ऑर्गेनाइज रिलीजन सारे ऐसा करते हैं. तो साइंस जो है एक नया रिलीजन बन गया है और समटाइम इसको भी आपको ब्लाइंडली, चूंकि ये साइंटिफिक बात है, जो साइंस मैन ऑफ साइंस हैं ये भी प्रीस्ट बन गए हैं. सर विलियम को देख, रेफर्ड एज ए प्रीस्ट ऑफ द साइंस इंडिकेटिंग द पावर ही हैज एवर ओवर हिज पेशेंट्स. बिल्कुल एक प्रीस्ट की तरह है. जिस तरह एक प्रीस्ट के सामने अगर आप इनकार करेंगे तो आप रिलीजन से बाहर तसव्वुर होंगे, यानी आप काफिर हो जाएंगे. और इसी तरह अगर आप साइंस की बात नहीं मानेंगे तो आप पागल तसव्वुर होंगे. ठीक है, तो साइंस हैज बिकम ए न्यू रिलीजन. Just as religion believes, believers often try to convert non-believers. जैसे हर रिलीजन के लोग क्या करते हैं कि जो है वो non-believers को believers बनाने पे लगे रहते हैं, हर दिन रात उनका यही मिशन होता है कि लोगों को कन्वर्ट किया जाए. एंड सर विलियम सीक्स टू कन्वर्ट द मेंटली इल टू हिज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन. बिल्कुल सर विलियम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं एक एक जो है तबलीगी की तरह के लोगों को कन्वर्ट किया जाए जो मेंटली इल है, उनको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो उसकी थीरी है जो साइंस के है साइंस के मुताबिक बातों का मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पागल होंगे. ही प्रेज ऑन द पीपल लाइक वैम्पायर. बिल्कुल वो तो यहाँ पे वैम्पायर का एक वर्ड यूज किया गया, जैसे वैम्पायर खून चूस लेती है ना आपके साथ टच में आके, तो बिल्कुल ऐसा ही है. वो अपने शिकार को ऐसे पकड़ते हैं, उसको उसका ब्लड सक कर लेते हैं, सोल सक कर लेते हैं, आउट ऑफ दे हैज ओबीडियंट फॉलोअर्स, उनको अपना ओबीडियंट फॉलोअर बना लेते हैं. बिल्कुल रिलीजन के लोग भी ऐसे करते हैं और बहुत से लोगों को आपने देखा, टैलेंटेड लोगों को रिलीजन के लोगों ने पाकिस्तान में, अभी आपने देखा होगा कि कई लोग आर्टिस्ट थे, क्रिकेटर थे, बड़े बड़े नाम थे उनके, लेकिन जैसे ही वो कुछ मजहबी वैम्पायर के हत्थे चढ़े तो उन्होंने सक कर लिया उनका टैलेंट. तो बिल्कुल ये भी ब्रैडशॉ जो है ये न्यू रिलीजन है, साइंस है, नया रिलीजन बन चुका है और ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और अब इनका ये काम है कि अपने फॉलोअर बनाए जाए. His wife, Lady Bradshaw, was one of his victims. Even उसकी बीवी है वो भी नहीं बच सकी, पहली विक्टम तो वही बन गई बेचारी लेडी ब्रैडशॉ. लेडी ब्रैडशॉ जो हॉबी है टेकिंग पिक्चर ऑफ द डिकेइंग चर्चेस रिप्रेजेंट्स द 20th सेंचुरी ट्रांजिशन फ्रॉम द फेथ इन रिलीजन और द गॉड टू फेथ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये इंग्लैंड में जो नया फेथ आ चुका है, जो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियनिटी थी उसकी बजाय अब एक नया रिलीजन आ गया, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. When the ill consider that no God exists, they begin to wonder if their life and their death are perhaps in their own hands. But William insists that this style of the life is in fact the only choice. Patients must convert to the world as Sir William conceives it, or else be considered insane. क्योंकि अगर आपने सर विलियम की थ्योरी नहीं मानी तो फिर you will be considered insane and mad. This bullying technique of suffocating patients like Septimus, who saw the horrifying results of his blind conformity during the war. ये जो blind conformity है कि बस आपने मानना ही मानना है हर बात को, ये वार में Septimus ने experience किया और वहीं से वो उसका mental balance हिल गया और अब वो एक और बंदा उसको कह रहा है कि हमें confirm करो, तो बहुत खौफजदा हो जाता है. That is a horrifying effect. The question of the what the war was fought so to preserve is never far from Septimus' thoughts, and he suffers from the lingering uncertainty. Peter Walsh and the Clarissa might see England tradition as noble and worth fighting for, but Septimus, the veteran, does not read meaning in the symbols of the England, at least not conventional meaning. Because Peter Walsh or Clarissa, who, agar unko ya upper class hai, unko abhi England ki jo traditional hai, uspe kuch na kuch trust hai, lekin Septimus jo hai, uske liye सरफेस ब्रेक हो चुकी है, नाउ ही कैन सी द रियलिटी, और उसके लिए अब मीनिंग चेंज हो चुके हैं, सिंबल्स की मीनिंग भी चेंज हो चुकी है, अब किसी भी सतही चीज से वो मुतासर नहीं होता. द ग्रैंड कार एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवल डज नॉट गिव हिम शिवर्स ऑफ एक्साइटमेंट,
शुरू में हम एक ग्रैंड कार के बारे में देखते हैं ना, वो एक जो एक शोर करती है वहां से गुजरती है, तो लोगों को एक्साइटमेंट दे सकती है. दिस इज द साइन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ साइंस, एडवांसमेंट. बट सेप्टिमस के लिए नहीं. इट डज फॉर द अदर स्पेक्टेटर्स बट सीम्स ओनली टू द पॉइंट टू हिज गिल्ट फॉर नॉट बींग एबल टू फील. ठीक है, लेकिन सेप्टिमस के लिए क्या था, दैट इज ओनली साइंस ऑफ गिल्ट. कि ये फीलिंग जो है, फीलिंग खत्म हो रही है और इंसानियत के बजाय अब एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से वो एक नए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में चले गए हैं. सेप्टिमस नो लॉन्गर नोज व्हाट द वॉर वाज फॉर. दिस डाउट सजेस्ट दैट द वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी एंड एग्रेसिव ऑप्रेसिव क्लास सिस्टम बेनिफिटिंग ओनली स्मॉल मार्जिनल सोसाइटी इज प्रॉब्लमैटिक. और ये टोटल जो क्लास सिस्टम है और ये सारा जो सिस्टम है, दिस इज बेसिकली ओप्रेसिव क्लास सिस्टम, और ये इसका फायदा सिर्फ स्मॉल मार्जिन ऑफ सोसाइटी को हो रहा है. जैसे कि हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है, एक स्मॉल मार्जिन है, एलीट क्लास है छोटी सी, जो सारे बेनिफिट रीप करती है, करप्शन भी करती है, बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करती है, और फॉरेन कंट्रीज में अपने अकाउंट भी खोलती है, बाहर रहती है, बाहर पढ़ते हैं अपने बच्चे उनके, और पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ एक कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. जब मर जाते हैं तो कहते हैं हमारे प्यारे वतन में हमें दफनाया जाए. बिल्कुल यही कंडीशन उस वक्त हमें इंग्लैंड में नज़र आती है. एक स्मॉल पोर्शन है और वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ले रहे हैं. सर फिलियम हाउएवर इज अनइंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग सेप्टिमस लॉस ऑफ फेथ इन इंग्लैंड एंड बिलीव्स इंडिविजुअलिटी इज अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस. और सर विलियम तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है, या कोई अल्टरनेटिव थियरी आ जाए, ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. हर हाल में इंग्लैंड का जो आइडियोलॉजी है उसको कन्फर्म करना होगा आपको, नहीं करेंगे तो फिर यू आर मेंटली सिक. ही वॉन्ट्स पेशेंट्स टू कन्वर्ट, कन्फर्म एंड फॉरगेट अबाउट देमसेल्फ एंड एनी डाउट दे मे हैव अबाउट द वॉर आर द एम्पायर. तो इंग्लैंड के जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर है उसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते. ब्रिटिश एम्पायर जो करती है ठीक करती है, और जो वार लड़ी है वो भी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लड़ी है. तो पैट्रियटिज्म यही है कि वार बस जस्ट था, एक इंसाफ था, और एम्पायर जो है ये एक होली एम्पायर है, और इसको आप सवाल नहीं कर सकते, आप इसको कन्फर्म करना होगा आपको. इन मिसिस डालोवे सेप्टिमस क्लारिसा पीटर एंड द सैली आर रीडर्स. और यहाँ पे हमें एक और क्लासिफिकेशन भी नज़र आती है जो ऑथर ने हमें दी है. वो दी है कि डायलॉग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड द रीडर्स एंड अदर इज कॉल्ड द नॉन रीडर्स. फॉर एग्जांपल इसमें सेप्टिमस हैं, क्लारिसा पीटर एंड सैली, ये जो कैरेक्टर्स हैं आर रीडर्स. ये पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत फील करते हैं, ये रीडर्स हैं. एंड वाइल सर विलियम हु विटब्रेड रिचर्ड डालोवे एंड द लेडी ब्रेटन आर ऑल नॉन रीडर्स. और ये जो दूसरा ग्रुप है ये बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ता, ये नॉन रीडर्स का ग्रुप है, इसलिए ये फील भी नहीं करते. ये बिजनेस करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, और इनके अंदर सेंस नहीं है कि बियॉन्ड द सर्फेस चीज़ों को देख सके. वेदर करेक्टर रीड्स आर डज नॉट रीड इज अ फेयरली रिलायबल इंडिकेशन ऑफ देयर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज एंड द टेंशन ऑफ एन राइज बिटवीन द टू ग्रुप्स. हम इनमें हमेशा ही एक टेंशन देखते हैं दोनों ग्रुप में, रीडर्स में भी और नॉन रीडर्स में, क्योंकि रीडर्स जो हैं वो चीज़ों को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आइडियोलॉजी की समझते हैं. ऑल्दो सेप्टिमस जो है वो अपने रिलेशन मेंड नहीं कर पा रहा, और वो जो डबल लाइफ नहीं जीने का उसे हुनर नहीं आता, जबकि क्लारिसा और पीटर जो है ये जी सकते हैं, ये डबल लाइफ जी सकते हैं. सैली भी मैनेज कर रही है, सेप्टिमस इसी वजह से खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं चीज़ों को. एंड द टेंशन अराइज बिटवीन द टू ग्रुप्स, ऑलवेज अ टेंशन. जैसे ब्रैडशॉ और सेप्टिमस बिल्कुल एक अपोजिट ग्रुप के लोग हैं, इसलिए इनमें हमेशा एक टेंशन रहेगी. फॉर एग्जाम्पल सर विलियम अ नॉन रीडर इज हॉस्टाइल टू दोज हु डू रीड. फॉर एग्जाम्पल विलियम के बारे में हम जब देखते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छे लगते हैं जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो अपनी थीरी रखते हैं, जो कन्फर्म नहीं करते हैं, लाइक सेप्टिमस. ये क्या बात हुई, वो कहता है तो कि पढ़ने वाले लोगों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता. सर विलियम फाइंड सेप्टिमस बुकिशनेस नियरली एज रिपल्सिव एज हिज शेबी वार्डरोब. सर विलियम का ख्याल है कि जो किताबें पढ़ना है ये तो बिल्कुल ही बहुत ही गंदा सा काम है, बुरा सा काम है, रिपल्सिव है इवन, जैसे उसे कुताहट होती है इससे. जैसे उसका शेबी वार्डरोब हो, यानी उसके जो वार्डरोब में जो बुरे कपड़े हैं जैसे उनको पहनना है, तो किताब पढ़ना तो कुछ ऐसे ही है.
किताबें जो है वो आपके दिमाग को खोलेंगी, किताबें आपको फील करवाएंगी, किताबें आपको सच बताएंगी, और सच हमें जानने से जाहिर है सोसाइटी को अपना अपने लिए खतरा महसूस होता है. ही सीज प्रॉब्लम ऑफ द सोल एज ए साइन ऑफ इलनेस. इवन वो प्रॉब्लम ऑफ द सोल जो है अपने माइंड, अपने जहन, अपनी रूह की जो तलाश है, इसको तो वो कहता है ये तो बीमारी है. एंड लेटर क्लैरिसा पीटर एंड द सैली विल शेयर सेप्टिमस इन इंस्टिंक्टिव डिसलाइक फॉर देम an interest in the words like also relates to an interest in the soul. Readers, particularly Clarissa and the Septimus who enjoy Shakespeare, एक साइड पे जो रीडर हैं, खासतौर पे जो क्लैरिसा रीडर है, किताबें पढ़ती है और सेप्टिमस किताबें पढ़ता है, who enjoy Shakespeare, are deeper characters who probe surfaces or look beyond a things given or expected meaning. और जो एक्सपेक्टेड मीनिंग है, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है लाइफ की, इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो नाकाबले बर्दाश्त है दूसरों के लिए. क्लैरिसा में क्वालिटी ये है कि क्लैरिसा मैनेज करना जानती है, मेंड करना जानती है, डबल जिंदगी जीना जानती है, अपने आप को छुपाना जानती है, नेविगेट करना जानती है, और सेप्टिमस में ये हम पावर नहीं देख रहे. तो दो असाइनमेंट आ गई हैं आपके लिए. नंबर वन, व्हाट इज द लिंक बिटवीन सेप्टिमस एंड द क्लैरिसा, क्लैरिसा और सेप्टिमस के रिलेशनशिप को आपने देखना है, किस तरह, किस अंदाज में जुड़े हैं, किन दो बातों में ये अपोजिट हैं, और एंड And how does the society control the individual? और हम फिर आपने देखना है कि ब्रैडशॉ जो है वो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइकेट्रिक मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हाउ सोसाइटी यूजेज इज इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशन है टू कंट्रोल द इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू कर्ब देयर फ्रीडम. तो इस मामले को थोड़ा सा आपने इस एंगल से देखना है, और यहाँ पर आप फूको की थीरी भी देख सकते हैं, और लुई एल्थुजर को भी देख सकते हैं, डियोलॉजी और कोहेरिजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, और फूको का जो मैडनेस का जो है और सोसाइटी के बारे में जो उसकी बुक है. एंड असाइनमेंट टू है, हु आर द रीडर्स एंड द नॉन रीडर्स इन द नॉवल मिसेस डैलोवे एंड हाउ देयर एटीट्यूड इज डिफरेंट वर्ड्स लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम. और फिर आपने ये बताना कि किस तरह ऑथर ने इसके सारे करेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, रीडर्स में और नॉन रीडर्स में. और रीडर्स हैं वो कौन से हैं और वो कैसे जिंदगी और उसके मसाइल को लेते हैं, और जो नॉन रीडर हैं वो कौन है और वो कैसे जिंदगी और उसके मसाइल को देखते हैं, और दोनों में फर्क क्या है.